और ये जो है ये मेडल मिले है, ये राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के जो मेडल मिले है। हाँ ये है राष्ट्रपति वाला है, राष्ट्रपति मेडल दिए जाते हैं। जो 60 जन संपर्क विभाग द्वारा संचालित रही से जिसमें उत्कृष्ट थे 60 में 60 प्राप्त करना रही से वहाँ वही व्यक्ति ला ये पुरस्कार ये प्रशस्ति पत्र भेजेगी इससे। और ये जो है मतलब संगम साहित्य के द्वारा अपन ला मिलेगी इसे। और ये जो है जनपद पंचायत में शुरुआत कर रहे हैं। हाँ ये 5 ये है रे। और ये जो है ये अपन ला मिलेगी से स्काउट के क्षेत्र स्नेह संगलन में ये प्रमाण पत्र है। और ये जो है दलित साहित्य में जो अपन धमतरी जिला में मिली से हमारे चैनल के देखिए जम्मू दर्शक मल्ला जय जोहार। चैनल में एक नया पहल हम शुरू करे हैं जिसमें हमारे क्षेत्र के जितना भी विशेष प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कलाकारी के क्षेत्र में हो, चाहे वाद संवाद के क्षेत्र में हो, सभी प्रकार के व्यक्ति मल्ला आप सबके बीच ला के कोशिश करत हैं। और वैसी ही कोशिश में आज मगल रोड विकासखंड के ग्राम भरता निवासी जो कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक दिवस के दिन मिलने वाला विशेष पुरस्कार जिसमें राज्यपाल राष्ट्रपति और राष्ट्रीय स्मृति पुरस्कार जो कि तीनों पुरस्कार धमतरी जिला में सबसे पहली जिला मिले हैं ओकर से हम आज अप मल्ला मिलाए बराहन ओकर से बातचीत करबो किस तरीके से हमला संघर्ष करके इतना बड़े मुकाम ला हासिल करे है और अपन नाम अपन गांव अपन क्षेत्र के नाम ला ऊंचा उठा है। कब हमारे चैनल में आपके स्वागत है। धन्यवाद। तो जहां तक शिक्षा जगत के क्षेत्र में सबसे बड़े उपलब्धि आप मतलब प्राप्त हो है तो किस टाइप से आपके शिक्षा के क्षेत्र में पहली शुरुआत कहाँ से हुई आप मन की शिक्षा ला पहले बताए। मैं हाँ सबसे पहली मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि पहली तो इसने गाना बजाना सब चल जाता रही से और कर साथ साथ स्कूल में जाओ हमेशा संगीत में गीत में इसने रुचि बढ़त बढ़त यही से। और अगर बाद में 9वीं 10वीं 11वीं भी पढ़े हो तब बोले वहाँ संगीत में मोर रुचि रही से और ऐसे करते करते और मैं हाँ कोई भी काम करूँ तो मैं हाँ रिकॉर्ड रखूँ। हाँ जो जो काम हो तेला ओकर बाद में फिर मोर से धीरे धीरे मोर कर संगवारी मन हाँ मतलब ऐसे 4-5 जन ऐसे पत्रकार मन जुड़ीस तो ओकर मन कर भी मैं मतलब बोले भाई हमन जी छमर टहर के कार्यक्रम में कुछ भी कर था तो ओकर पास हमार पास कुछ भी नहीं रहा है तो इसने में मोर सुरेश भाई मिलीस तो वो भी पत्रकारिता में रहीस तो वह बहुत बहुत सारे चीज़ मल्ला नाम मल्ला प्रकाशित करत गीस और इसे नवभारत में भी रही से तो नवभारत में भी मतलब मैं रुचि रहा है और पढ़े की बहुत इच्छा रहा है तो कैठी जिला में धीरे धीरे ओकर बाद में अब मैं उस समय में 16/2/1985 में मोर स्कूल में मोर नौकरी है यहाँ से लगभग वही 30-32 किलोमीटर दूर ग्राम धनबोड़ा रही से ऊँचे मोर पोस्टिंग हुई तो वहाँ मोर 16/2/1985 में मोर पोस्टिंग हुई और वहाँ पोस्टिंग हुए बाद में वहाँ एकदम जंगल कोनो लड़का मन पढ़े लिखे पर रुचि नहीं ले तो मैं हाँ एक मोर तो मन है अब का है लड़का मन भाई मैं यहाँ आ हूँ तब पढ़ाए बर आ हूँ है ना और पढ़ाए बर आ हूँ तब का है लड़का मन इसलिए थोड़े कर भाई तो कैसे कह के रंग बिरंग के वहाँ कार्यक्रम रखत गया लड़का मन धीरे धीरे आत गीस पढ़े लिखा में रुचि लेत गीस तो मैं हाँ वहाँ के समाचार मल्ला नवभारत में बोला प्रेस में दे और बाद में छपीस और मैं हाँ यही ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि वो लड़का मन के नाम फोटो छपना चाहिए ऐसे करके अब धीरे धीरे और मल्ला में संकलित करके रखते गया और ऐसे ऐसे मोर कार्यक्रम में जो भी कार्यक्रम करूँ तो जितना भी पेपर रहा है ओकर कटिंग ला रखूँ और साथ साथ रखे के बाद में धीरे धीरे कई भी कार्यक्रम हो तो संकलित कर कर करके कर कर करके और जब मैं ट्रेनिंग ले आऊँ तो ट्रेनिंग के कापी ला भी मोर पास में रखा गया और ओकरो ला मैंने सकेलत गया और सकेले के बाद में ओकर बाद में मैं सब ट्रेनिंग के जितना भी मोर हो है ना और सर हम जो भी मोला आदेश जारी करी मैंने कहा तो जाना है ट्रेनिंग में लेबर तो मैं यहाँ नहीं के हूँ ऐसे कह करके मैं बहुत सारे ट्रेनिंग करे हूँ
यहाँ तक कि रायगढ़ और ये तरफ तो दिल्ली भी गया हूँ, है ना, और रूम टूम में भी काम करे हूँ और ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग में गांव में भी, मतलब जनमानस में भी अपन सहभागिता प्रदान करते रहे हूँ। ओकर बाद में संगम साहित्य में भी अपन कार्य देते रहे हूँ और ओकर बाद धीरे धीरे में यहाँ कुछ अब साहित्यकार मन करी से ओकर मन के सहयोग से धीरे धीरे कुछ लिखाई पढ़ाई के रुचि और सीखे कुछ शैली धीरे धीरे मतलब प्राप्त हुई। ओकर बाद मैं यहाँ अब देखियो कि हमार क्षेत्र में अभी तक से शिक्षा के क्षेत्र में काम तो करे एक से एक कर डाले, लेकिन वो व्यक्ति मन हाँ अभी तक से जे चीज़ मन मिलना चाहिए वो सम्मान मन मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिले। तो ऐसने सबसे पहले शुरू कराने हमार क्षेत्र में श्री एन आर साहू जी रही से, जो है विकासखंड शिक्षा अधिकारी रही से, और वह अपन कुछ कार्यक्रम ऐसे रखी कि जिन शिक्षक मन है काम करे थे वो मतलब सम्मानित किया जाए। तो वो सम्मानित करे बार वो समय अब मोरे नाम लग पहली चयन करी उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में 2004 में बोला उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में सम्मानित करी, और ओकर बाद में फिर धीरे धीरे मुड़कर जिला स्तर पे राज्य स्तर पे ऐसे बोला सम्मान प्राप्त होत गई, और ओकर बाद में वो सब चीज़ के संकलन करे बाद में फिर अब जिला स्तर में और जो ट्रेनिंग हुई और वैसे वह नवाचार के क्षेत्र में विशेष रूप से कैठी कार्य करत रहे हूँ और वो मतलब सब संग्रहण करत रहे हूँ और रखूँ और जानकारी पेपर में भी दूँ, और ऐसे ऐसे वह धीरे धीरे अब जिला स्तर पे राज्य स्तर पे अब कोनो भी ट्रेनिंग रहा है मैं जाए पर मैं कमी नहीं करूँ जाए पर यही बहाना मोला वो तक सीखे मिलते और वो गाँव देखे मिलते है ना भी। अब वो गांव देखे के साथ साथ हम लोग दो तीन ठीक फायदा होते, एक तो वो गाँव वाले देखे में फायदा होते, दूसरा चीज़ नया चीज़ सीखे में फायदा होते। तो भाई हमारे शिक्षक के काम है और शिक्षक के काम करत करत हमारा धीरे धीरे बहुत चीज़ मिली। उसके बाद में 31 अगस्त 2002 में मोला MT बना दी मास्टर ट्रेनर, हाँ मास्टर ट्रेनर से कहते बोला तो माहौल बना दी। तो मैं यहाँ ये क्षेत्र के जितना भी मतलब वो शिक्षक मन रहे तो पहली के ट्रेनर मन का करे कि पढ़ा भर दे और ओकर जो फीडबैक रहे तो वो फीडबैक मतलब मन हाँ मतलब वो ले ले और बोला कचरा हम डाल दे, लेकिन वे का करें ओकर फीडबैक ला संग्रहण कर करके ओकर मन के जो मतलब विश्लेषण रहा है वो विश्लेषण ला राज्य कार्यालय भेज दे कि हमारे क्षेत्र में 200 शिक्षक के द्वारा ऐसे ऐसे कार्य लिख दो। मैं कुछ अपन शीर्षक ला बदल दें कि अपन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य किए गए हैं। तो ओकर आधार पर मोला ना छत्तीसगढ़ में जब शिक्षा नीति बनी तो ओमे मोर चयन करी एक शिक्षक के नाम से कि छत्तीसगढ़ से स्थानीय शिक्षक में मोरे नाम ललीस और वहाँ फिर मोला बलैस और 2002 में 30 अगस्त और 31 अगस्त के दो दिन कार्यशाला रहीस। वो कार्यशाला में मोर साथ में 4-5 जन एकदम वरिष्ठ शिक्षक रही से, वरिष्ठ मतलब साहित्यकार रही से और बड़े बड़े बने शिक्षाविद रही से, और मोला वहाँ प्रस्तुति करे मेरे बोलीस। तो भाई मैं हाँ मैंने उतना अभी तो प्राथमिक में टीचर रहा है ना, और प्राथमिक के टीचर रहे तो का हो कि उतना ज़्यादा मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकूँ। तो मैं पहली वहाँ बोले तो वहाँ मतलब मोला दर्शन मिली जो अपन लोकवाणी कार्यक्रम के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन लाल जी, हाँ और वो मिली खान साहब का है बोला, हाँ वो जो है मतलब पहली छत्तीसगढ़ के जो रायपुर जिला के पहली निर्देशक रही से, हाँ रेडियो कार्यक्रम के वो है। तो ओकर मद वह उस समय में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे, हाँ माने मुस्लिम संप्रदाय जो होते ना ओकर मदरसा बोर्ड होते तेकर वो चेयरमैन है। तो ओकर से मुलाकात हुई और सर देखे देखे तो ओकर प्रणाम वनाम करे और बोले सर मैं तो छत्तीसगढ़ी में बोल सकता हूँ भाई या हिंदी में बोल सकता हूँ, बोला अंग्रेजी में कहूँ तो मैं नहीं बोल सकूँ। हाँ तो मन कहते नहीं भाई तोला जी में सरल लगे है ना भी, तो मैं सरल में सब शब्द कह रहा हूँ तो मैं मतलब मैं यहाँ करीबन 113-114 पॉइंट के इसे मैंने लगभग 4 पेज के हाँ
मने का बदलाव होना चाहिए ऐसा करके कुछ लिख के भेज रहे हाँ शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ तो ओमे मतलब ना वो लगभग 80% जो बात रही से बोला वहाँ चयन करेगी और ओकर बाद चयन करे के बाद में वो मोर साथ में बीपी जो मतलब जो हमारी क्षेत्र के सचिव रही से हाँ ये क्षेत्र में हमार मतलब वह हमार मेघा में वह बीपी जो रही से त्या पहली जिला शिक्षा अधिकारी रही से हाँ वो कर से मुलाकात हुई सब धीरे धीरे फिर अब वो आए के बाद में फिर मैं आए और ओकर बाद में शिक्षा के क्षेत्र में अब मोर कार्यक्रम के जितना भी जो ही से तेकर में है वो मल्ला फाइल मल्ला फिर में है अब बना के और कार्य के संतुष्टि करे बर ओकर बोला में जमा करे और ओकर बाद में फिर वो धीरे धीरे अब उस समय शिक्षा के क्षेत्र में जब बोले जमा करे तो वहाँ मतलब साहब रही से उस समय जिला शिक्षा अधिकारी रही से श्री होता साहब जी वो देखी खुश हो गए खुश होके कहते बेटा आपके तुम मन आशीर्वाद ऐसे कर कर दिए साहब वो फाइल ला भेज दिए फाइल भेजी साहब ओकर बाद में फिर वो चयन के में अब देखिए आपके तो क्षेत्र जो नवाचार के विषय है हाँ एकर माध्यम से तो आपको पहली सिलेक्शन हुई और ऐसे हुई इसकी मोर सिलेक्शन राज्यपाल पुरस्कार के लिए पहली हुई ओकर बाद मोर पुरस्कार राज्यपाल पुरस्कार मोला 2005 में प्राप्त हुई और ओकर बाद में फिर 2 साल के बाद 2009 में हाँ मोला राष्ट्रपति पुरस्कार मिलीस और यही कड़ी में मोर नवाचार चलते चली से तो नवाचार चलते चलते में है मतलब फिर मोला फिर अप्लाई करे तो ओकर बाद में मोला जो समाचार हम जो एक पुरस्कार मिलते इस उमें है जो यहाँ पर 4 जन अपन क्षेत्र में जो यानी राज्य स्तर पे जो कवि होते है ना हाँ साहित्यकार है उकर क्षेत्र में 4 साहित्यकार के नाम से एक स्मृति पुरस्कार दिए जाते हैं तो वो पुरस्कार मोला 2012 में प्राप्त हुई हाँ और ऐसा टाइप के मतलब ये स्थिति है इसकी मोला तीनों जो मतलब पुरस्कार हैं वो है प्राप्त हुई और ये पुरस्कार प्राप्त करे के बाद में अब मऊ और कोशिश करे कि मोर साथी मल्ला भी ये क्षेत्र के बहुत सारे जो शिक्षक है ते मल्ला भी ये पुरस्कार प्राप्त हो और ये अभी भी लक्ष्य है कि बोलकर जैन भी आही और ओला में यहाँ अपन डाल ले ही कोशिश करूँ कि ओला मार्गदर्शन जैसे जैसे मोर तब से बन पड़े मैं अपन कोशिश करूँ और मोर क्षेत्र से अगर मान ले जाए राज्यपाल राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होते हैं तो मैं मोर खुशी है और हमारे क्षेत्र के खुशी है ना भाई और आने वाले भविष्य में भी बहुत सारे व्यक्ति मन है उकर से और लाभ मिली है ना और इसमें हमारे क्षेत्र के हमारे गांव के हमारे दाई दीदी बहनी सब मन जितना जन पढ़िया है वो मन एक से गौरवान्वित हो ये मोर लक्ष्य है और एक साथ साथ में बहुत चीज़ ऐसे भी करें कि अपन एक योजना बना पहली नवाचार के क्षेत्र में ऐसे रिसे कि लड़का मान ला जैसे कि अब पढ़ाई करना है तो पहले मैं हाँ लगभग अपन स्कूल स्तर पे 4 लड़का ला हर साल एक ठिकपन मेह बना ले कि जब से मोरी नियुक्ति हुई से तब से मैं 4 लड़का ला हमेशा पढ़ाई के क्षेत्र में वो मान ला आगे बढ़ाना है तो मतलब पुस्तक कापी पेन स्लेट जैसे भी हो आर्थिक सहयोग के रूप में बोला हाँ गोदनामा के रूप में बोला रखा गया अपन डाल है ना और आज भी मैं बोला जारी रखे हाँ और अभी करना लेकर मन हुई अभी मैं अब वही तो लगभग लगभग अब वो लगभग तो मैंने वही 240-245 के लगभग हो गई होगी हाँ तो वोकर से लेकर मान ला ज़्यादा सीख मिली और यही मोर नवाचार के क्षेत्र रही और इसने इसने जैसे मान ले जाए मैंने गणित में पढ़ाना है अपन हाथ में है यदि एक गड्ढा बने यदि अभी गड्ढा में बने में जनवरी है फरवरी है मार्च है अप्रैल है मई है जून है जुलाई है अभी मतलब बता दे ऊपर के जितना भाग दिखा थे ते मन 31 और नीचे एक भाग दिखा थे ते मन 30 ऐसे के लड़का मतलब बता है ना तो लड़का मन है ओकर से समझ जाए अपन हाथ के है ना भाई तो एक प्रकार के भी नवाचार है तो एक क्षेत्र में लड़कर का मालूम हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल
मई जून जुलाई और ओकर बाद ही डाले फिर बोल का दे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तो जितना जो ऊपर भाग दिखत है वो है 31 के महीना है और जो नीचे दिखते हैं 30 के। तो ऐसे ढंग के मतलब लैका मन ला बतान जिकर से लैका मन हाँ जल्दी से सीख जाए ये मोर ज़्यादा उद्देश्य है। और आज भी मैं कोई कोशिश करता हूँ कि लैका मन ला ज़्यादा बोले का अपेक्षा वो मतलब सिखाए में ज़्यादा जोर देना है। तो छोटे से शुरुआत रही आप मन के नवाचार शिक्षा के माध्यम जो लेकर मतलब पढ़ाना है भगत मतलब नान के बैठार के पढ़ाना है ऐसे छोटे से शुरुआत है। राज्यपाल और राष्ट्रपति पुरस्कार जो कि सर्वोच्च सम्मान के पुरस्कार होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक मन ला वो मन आप मतलब मिलीस तो सबसे पहले पुरस्कार काकर हाथों से आप मतलब मिलीस और कौन से सन में मिली से मोला सबसे पहले पुरस्कार जो हुई से जला हम लोग बहुत छोटे कथा वो पुरस्कार हमारे मिलीस हमारे वो समय में मंत्री बने रही से श्री अजय चंद्राकर जी जो संसदीय क्षेत्र के रही से और ओकरे हाथ यहाँ मगल रोड में जनपद पंचायत में ओकरे हाथ से मोर पुरस्कार मिली से अजय चंद्राकर जी से ये सत्र रही से 2003-04 हाँ ओकर बाद वाला जो पुरस्कार रही से आप मतलब राज्यपाल वाला ओकर बाद ऊँचे मोला पहली उत्कृष्ट मिली से ओकर बाद फिर मोला जिला स्तर में 15 अगस्त में वो मोला सम्मानित करीस 15 अगस्त में वहाँ बोले बोलीस हाँ और वहाँ फिर मैंने कलेक्टर के द्वारा और ऊँचे मतलब अजय चंद्राकर भी रही से हाँ तो जनपद में भी मैंने अजय चंद्राकर जी के द्वारा हुई से और ओकर बाद में जिला स्तर पर भी मोर नाम पहुँच गिरीस ऊँचो तो जिला स्तर में भी मोर नाम चयन कर गिरीस अब ओकर बाद में वहाँ भी सम्माननीय मने और हमारे जो इस क्षेत्र के प्रभारी शिक्षा मंत्री श्री अजय चंद्राकर जी से ओकर हाथ से मोले मिलीस ओकर बाद में फिर अब मैं हाँ धीरे से अब वो तो मोर कागज मन चली दे रही से हाँ ऊपर तक पहुँच गई रही से तो ऐसे मतलब प्रयास में करते रहे धीरे धीरे वह प्रयास करे के बाद मोला राज्यपाल के जो पुरस्कार हुई वो 2005 में मोला मिली हाँ वो है जो मुख्यमंत्री भी इसे जो राज्यपाल इसे KM सेठ हाँ ओकर द्वारा मोला मिली और उस समय शिक्षा मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हाँ और वो भी मोला बधाई दीस और हमला फिर वहाँ से अब ओकर बाद राज्यपाल पुरस्कार जब मिलीस तो हमला बड़ा खुशी होइस और इस क्षेत्र में मोला बड़ खुशी होइस और मैं गांव में भी आए तो गांव का आदमी मन भी मोला अच्छा से शाबाशी दीस और साथी मित्र मन भी मोला बधाई वधाई सब भेजीस। धमतरी जिले के पहली आप मन ऐसे शिक्षक हो जो मतलब तीनों सम्मान आप मतलब मिल गए तो अपन क्षेत्र में आए के बाद आप मतलब जो सम्मान और इज्जत मिली वैसी आने वाला शिक्षक मतलब ऐसे कुछ करना चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रहा है योगदान आप मन से सीखेल मिलत हुई वो मतलब आप मन से मिले पर आत हुई ऐसे कई शिक्षक हुई जिगर मन के आप उल्लेख करना चाहते हो। हाँ अब ऐसे बहुत सारे शिक्षक मन है अब मोर पास में और मैं तो पहले बता दे रहा हूँ जैसे हमारे मन सम्मानी श्री दयाराम साहू जी से वो भी मोर पास आईस ओल में अपन तरफ से गाइडलाइन करे ऐसे वो कर कोमल साहू हमारे क्षेत्र के जो है जो राज्यपाल अभी पुरस्कार भर से सम्मानित हो है वो भी मोर पास आईस ओला में सहयोग प्रदान करे और ओकर बाद में यहाँ से दूरस्थ हमारे साहित्यकार के रूप में मधुसूदन साहू जी जो विशेष करके राजिम के क्षेत्र के है हाँ वो सुनीस तो वो भी आईस मिले भाई और उस समय में हमन फिर मिले तो उस समय हमारे में एनआर साहू जी रही से तो एनआर साहू जी से ओकर अच्छा संपर्क रहे मोरू संपर्क रहे वो और इसे ओकर सन हमन साहित्य में मिलते रहा तो वह जब वो नाम सुनी तो खुशी जाहिर करते साथ अब वो आ गए और वहाँ के मोला बधाई दी तो उस समय में वो भी मैंने तैयारी करी सब वह राज्यपाल पुरस्कार मिल गए तो मुड़ा बड़ खुशी हुई कि चल भाई मैं वो ना गाइड करें वो भी प्राप्त हो गए तो बहुत आनंद हुई। वैसे दुर्गा के एक साहू जी है जिकर से जे है मोर साथ बहुत करीब रही से ओला भी मैं गाइड करें तो वो भी मिल गए
तो ऐसे मतलब वो 12-13 जो साथी है, हाँ जे मन अब मोर करात गिस और वो मल्ला मैं गाइड करत गया, तो मल्ला राज्यपाल और राष्ट्रपति पुरस्कार मल्ला प्राप्त होत गिस। शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार आप मन करते हो और पुरस्कार भी मिलते, ओकर बाद शिक्षा में वो सब चीज़ ला जोड़े की कोशिश करते जो अभी वर्तमान शिक्षा चला थे, जिम्मे लड़का मल आप मन बता थो कि हाथ ला दिखा के माँ हाला बता देना है, ये सब चीज़ मल्ला उल जोड़ थे या फिर अभी आओ, मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन मुला तो मैं देखता हूँ नहीं, तो कुछ दिन तो चलते ओकर बाद उमन है ना मतलब वो प्रक्रिया मतलब छोड़ देते, जबकि एला अनुराध रखना चाहिए भाई, है ना भाई। हाँ अब दो चार का बताया थे उसने मैं नवाचार करे हूँ, जैसे मतलब वो मैंने कोबी करा सको जरा दूध का बाद, तो उस समय में हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य में बने रही से, तो ओकर में नवाचार करे हूँ कि भाई हम लोग 27 जिला के नाम बताना है। अब वो 27 जिला के नाम लग बताना है तो एक पंक्ति में रहा, तो पहले 16 जिला रही, तो रही से कोबी करा सको जरा दूध हक्का बद, मतलब 16 जिला के नाम हूँ मैं। हाँ को से कोरबा, बी से बिलासपुर, ऐसे डर के 16 जिला के नाम रही से, ओकर बाद में फिर 22 हुई, ओकर बाद 27 हुई, तो ओकर में सूत्र बनाए। अब वो सूत्र बनायो ना तो दो चार दिन ले सब आदमी मन अपन अपन कापी में लिखत गिस, पुस्तक में लिखत गिस, और ओकर बाद धीरे धीरे पता नहीं अब उमन है अब जो चालू करिस कि नहीं करिस ये नहीं जाना, लेकिन मैं आज भी कहीं भी जगह जाता हूँ तो निश्चित रूप से उमन मैंने बताता हूँ उसने 27 जिला के। अब वो सूत्र मल्ला बता जबे और सूत्र मल्ला याद कर जही, जबकि वो एक लाइन में है ना, हाँ वो लोग बनाए में कितना मेहनत लगता है बोला तो आप समझ सकते हो भाई, है ना वही नवाचार है। और वो नवाचार लगे मैं 2 मिनट में काबर मैंने समझ लिख तो लीस, और बाद बोला था नहीं शुरू करे, जबकि वो हा 27 जिला के नाम ला हम कम शब्द में कम समय में लेकर ला जल्दी याद कर डालता है ना भाई, और जानकारी हो जाती। तो वर्तमान शिक्षा में आज शिक्षक शॉर्टकट ला उपयोग करते, आते पढ़ाते ले जाते, पढ़ा के अपन समय ला व्यतीत करके चले जाते, वैसे में आप मन जो बतात हो शिक्षा एक व्यवहारिक है और सीख के अपन आप में उतारे वाला शिक्षा जो आप मन बता हो, यही सब चीज़ मतलब छोटे छोटे चीज़ मतलब सोच के राज्यपाल या राष्ट्रपति पुरस्कार आप मतलब मिली, आज के आधुनिक युग में वर्तमान शिक्षा और पिछड़ा जो शिक्षा रही उसमें आप मतलब अंतर देखे मिलते। हाँ मतलब इच्छे देखे मिले थे, जब पहले मैं पुरस्कार नहीं ले रहे हूँ तब कार्य क्षेत्र रहे ना तो हर आदमी मन चर्चा करे, हाँ अब जब मैं पुरस्कार प्राप्त हो गया तो धीरे धीरे आदमी मन हाँ मतलब ना धीरे धीरे ना उमन में पता नहीं कद डाल कैसे होते, तो उकर बाद धीरे धीरे उमन में हमारे साथ जो पहले व्यवहार कर रही से वो व्यवहार अब करना थोड़ा कमी पाएगी से, ये मैं बोला महसूस हुई। हाँ अब उकर हो का हो सकते हैं हमारे उमन के कुछ कार्य हुई है भाई, हम स्वयं लथन भाई अपन ऊपर कि हमारे कुछ ऐसे कार्य रिस हुई जिनमें कमी दिखी से हुई है ना वर्तमान समय में, तो वो नजरिया हो सकते हैं। अब आदमी का अलग अलग नजरिया है भाई, अब हर आदमी अलग बोलना मने और कहना, तो अपन अपनी कहना है कि जो पहली कार्य अभी भी आज भी शिक्षक के सम्मान है, है लेकिन वो अपन हाथ के ऊपर है ना भाई। हम हाँ हर जगह जाते हैं तो कहा है सबके साथ बैठना है उठना है समय में, मतलब बोला आ बैठ उठ ऐसे सम्मान वाला देना है, और जब तक ये सम्मान हम नहीं देवो तो सामने वाला हमला कहाँ मिलेगी है ना भाई। तो ये चीज़ ला हम अपन जीवन में उतारत आते जाना है, कोई भी मिल गए तो ओकर से जय राम नमस्कार ये एक प्रभाषिक शब्द है ना भाई, ओकर से करते चलना है मिलना चलना है सहयोग प्रदान करना है लेना और देना है, तो ये जब तक नहीं रहे तब तक ये सब चीज़ आजकल जो अभी दिक्कत में थोड़ा सा कमी महसूस नज़र आता है। बच्चा मन के जो हीरो कहा जाते वो गुरु जी ही रहते, जब पढ़े ले बढ़ जाते वो शिक्षा ले बढ़ जाते तो गुरु जी से ही सीखते, चाहे वो बाहरी व्यवहारिक ज्ञान हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो सब वो चीज़ ही आगे देख के लिखा उन आगे बढ़ते गुरु जी देख के अपन सीखते जानते पहचानते उठना बैठना मान सम्मान करना है, ये सब चीज़ मन आज के शिक्षा में लुप्त हुआ थे, आते शिक्षक सीधा पढ़ाते और निकल लेते, तो व्यवहारिक जो शिक्षा है जो उठना बैठना मन बोले हो वो सब चीज़ भी शिक्षा में जुड़ना चाहिए। नहीं बिल्कुल, हाँ ये तो बिल्कुल मैंने आना चाहिए, नहीं पाठ्यक्रम में से दे
लेकिन का है ना भाई, कुछ आदत ऐसे बन जा रहे थे कि जब शिक्षक मन के कुछ आदमी कहीं तब बनाबो ऐसे सोचते है ना भाई, जबकि ये जरूरी नहीं है भाई, है ना भाई। आप ला दे दे है तो बच्चा ला आपके अनुसार से कितना जल्दी वो मोटिवेट हो, कितना जल्दी वो सीख सके, एकर एला आप लग करना है ना भाई, वो आपके ऊपर है। और लेकिन ऐसे नहीं है शासन के कुछ निर्देश है तेला मानना है, ऐसे ऐसा टाइप के मतलब आज जो है चलते है ओकर कारण से कहा है कुछ, जबकि ये कुछ मतलब नैतिक यानी जिम्मेदारी है ना। और नैतिक शब्द में बहुत चीज आ जाते है कि हम ब्राह्मण हर चीज ला हमला पालकों से मिलना है, बालकों से मिलना है, पालक से सब भाई। हमारे क्षेत्र बहुत लंबा है, हाँ। अभी मैं प्रधान पाठक रहे हूँ तो मोला अभी मैंने थोड़ा सा दूसरा ड्यूटी दे दे है, एक ड्यूटी दे दे कि मोला अब संकुल समन्वयक बना दे गए है, हाँ। अब संकुल समन्वयक बना दिए है तो मोर में ये पांच मैंने लगभग मैंने 10 स्कूल आ गए है, तो 10 स्कूल ला चाहत हूँ कि 10 स्कूल के सबो जन जो शिक्षक है ते मन ला जैसे मोला मिले पुरस्कार तो उसने वह मोला पुरस्कार मिले, ये मोर कोशिश चलत है। आपके नेतृत्व तो आप मन करत हो, वो मन शिक्षा लिए थे आप जी, तो हो पही ये सच चीज है अब होला, अब वो मैं नहीं कह सको भाई, रुचि वो मन ले थो अब नहीं, अब रुचि ली या नहीं ली मैं नहीं कह सको भाई, लेकिन मैं कोशिश ये करत हूँ कि अब एकदम से कोई आदमी रुचि ले कही काबर सबके रुझान अलग रहते है ना, और एकाएक मोड़ पाना मतलब मुश्किल जाते, तो मैं कोशिश करत हूँ कि धीरे धीरे आ जाए है ना भाई, और मोरे जैसे कार्य वो भी करे और वो भी मने क्षेत्र में आगे बढ़े तो ये मैं चाहत हूँ, और निश्चित रूप से संभव हो ही है मोला बिल्कुल मतलब विश्वास है, हाँ। अरे अदना क्षेत्र में एक जन नहीं है कम से कम मोर अति जन 10 जन तब कैसे नहीं हो, दो जन भी हो तब मोर लिए बहुत बड़ी चीज है ना भाई। जो आपकी कदम है वो सराहनीय है और कोशिश करे वाला मन की कभी हार नहीं हो कहे जाते, इतना बड़े सम्मान उपाधि प्राप्त करे हो, अपन गांव अपन नाम हमारे अंचल के नाम लग ऊँचा उठाए की कोशिश करे हो। धमतरी जिले के पहले शिक्षक जिकर से हमन आज बातचीत करें, भावी जो शिक्षक है आने वाला शिक्षक है नए नए और भर्ती होते जाते लेते जाते और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते, चाहे विद्यार्थी मन हों आधुनिक जीवन में हों, तो जो शिक्षक के गुण पहली देखे मिले हैं मल्ला गुरुजी कहान आज शिक्षक बन गए टीचर कहे जाते हो मल्ला और शिक्षा कर्मी में आगे है, तो ये सब चीज़ मन अंतर देखे मिलते, पहली लड़का मल्ला मारपीट के पढ़ाए वाला भी चले और सहे लड़का मन है, आज की डेट में लड़का छू भी नहीं सकस ये स्थिति आगे है। नहीं वो तो जैसे जैसे अब भाई कुछ बात तो जरूरी है नवीन है ना, अब पहली अब हमारा बदलना मैंने समय हम नहीं बदल सकें, हमारे स्वयं बदलना है, हम लोग स्वयं बदलाव करना है। अब हम पहले सीखे रहे हैं पहले, अब मैंने अब शुरुआत में अब तक अभी कहा हो गए हमारे जिंदगी भर हो गए है, लेकिन हमन कभी स्कूल लब बंद करते हुए नहीं देखे है ना, लेकिन आज ऐसे समय आ गए है कोरोना काल में कि स्कूल हाथ 1.5 साल हो गए वो बंद है, अब स्कूल 1.5 साल हो गए बंद हो गए है, तो भाई इमें हम लोग कितना पीड़ा हो थे, हम बच्चा मन चाहत हन कि बच्चा मन हाँ जो न्यू है और सबसे ज़्यादा प्रभावित तो वो हो कि कक्षा पहली से लेकर के पांचवी तक बच्चा मन, तो पांचवी को 30 तक बनी गए पहली से तीसरी तक न्यू खड़े, हाँ जो न्यू खड़े हो थे वो मजबूत जो होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा खराब हो थे। अब पालक मन हाँ नहीं समझा तो इसी बात नहीं है, पालक मन भी समझा थे लेकिन कहा है कहीं ना कहीं क्षेत्र में मजबूरी है, अब एला हम सब मिल के आगे बढ़ाना है। अब इसी कारण से तो भाई हमला अभी वर्तमान स्थिति में अपन जो पहली रूप से पढ़ान पहली स्थिति से वाला पढ़ान हमना कि ऐसे करना है तो वो में हमला चलबो तो नहीं पा, हम सफलता नहीं प्राप्त कर सका है ना, काबर वो समय में अभी जो लड़का मन है मोबाइल के क्षेत्र में आगे जानते हमारे मन से आगे जानते आगे है, हम मन तो पहले वाला मोबाइल चप के लिए धरे रहे वाला बटन धरन, लेकिन आज तो लड़का मन हमारे छोटे से लड़का थे अतः जानते कि वो बने पूरा चैनल जान ले गए हाँ। और तो अपन जो प्रक्रिया है अपन जो पहली प्रक्रिया जो सीखे हैं
ओमे हमला स्वयं बदलाव होके उकर मन के साथ चलना हमला जरूरी है, तब हम मने अपन तरीका से पढ़ा सकता है ना भी। और नहीं तो उकर तरीका से हम नहीं होबो तो हम तो फिर बोला सफलता नहीं पाना अपन कार्य में। अपन कार्य में सफलता पाए बर उकर साथ हमला होके उकर बाद ला मान मान के अपन तरफ लाना है, तब हम सीख सकता। 9000 के माध्यम से ही आप मन इतना बड़े पद उपाधि प्राप्त करे हो। आज कोरोना के समय आ गए है और लड़का मन पढ़े पर नहीं जाते स्कूल में, ऐसी स्थिति में का ऐसे नवाचार आप मन करत हो अपन क्षेत्र में जेकर से लड़का मन शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े रहे? हाँ, अब वो शासन की योजना में अब मैं हाँ तो अब शुरू से लड़का मन के प्रति ध्यान देना है तो का करो कि मोर पिछले साल में मोहल्ला क्लास लगा तो मोर डहर जो लड़का मन आए पहली राजा डेरा के लड़का मन आए और मैंने लगभग लगभग 26 गांव के लड़का मन हम स्कूल में आते। अब मैं हाँ उनकर योजना बनाया कि 26 गांव में तो जा नहीं सकन तो एक एक दिन ठीक गांव में जान तो वहाँ माइक ला धर के जाओ, वोकर ठीक माइक है हाँ वो माइक ला धर के जाओ। और मैं सोचो पोंगा कहाँ धर बेगा वहाँ का तो बिना पोंग बैटरी के सब जगह तो लाइन रहे नहीं तो मोकर रखे तीन मल धर के जाओ गाँव गाँव में मोहल्ला क्लास लगान। तो वो मतलब पहले दिन गए तब वो बोल दे रहे हैं मतलब कि देखो भाई आज तुहर गांव में दर्शन करे पर आवा था तुहर मन के लड़का मन का करते हो। तो गांव में जब पहले राजा डेरा गए तो वहाँ मन लगभग हम 5-6 बार गए तो वहाँ गए तो वहाँ मन खुश हो गए और वो लगा शुरू करे तो वो मन पहले हाका परवाएन गाँव में और भाई चलो स्कूल आ गए तो जतना झा रिता ला पढ़ा फिर बोले दूसरा रोड में देखो फिर हम मन और तुमन है ना अपन अपन घर में पढ़ो ते तो पढ़ा दी से और ऊंचे के जन दुकानदार रहे तेकर से संपर्क करन मोबाइल से ओकर से बात करन तो ऐसे से वहाँ गतिविधि चलीस। ओकर बाद बूढ़ा राव गए बूढ़ा राव में 2 दिन गए उसने वो रोड मुने तो बकोरी है बकोरी में गए ओकर बाद तेंदू भाठा में गए। अब तेंदू भाठा के बाद में तो आगे तो मगल रोड तो मगल रोड में 6-7 एरिया है अलग अलग वार्ड में उतरा घासीदास चौक है तो रिटायर मथुरा नगर है उधर आदर्श चौक है तो सब जगह घूम घूम के अलग अलग दिन में एक हफ्ता पारी बांधा गए ना उससे करके मोहल्ला क्लास में लगाए तो हमला लगभग लगभग मैंने सीखे के जो प्रीति से तो भाई जितना सीखना चाहिए उतना तो नहीं सीखीस लेकिन कम से कम लड़का मन जुड़ते गीस है ना भाई। और हमला का है अभी कोरोना काल में एकदम मैंने वाला तब कोरोना ले देखते हुए हमला भी बचना है और स्वयं बचाना है और बच्चों को भी बचाना है और पालकों से भी दूरी बना के रहना है तो ये सब के प्रयोग करते हुए फिर हम आज मैंने 1.5 साल बीत गए। शिक्षा बढ़ाया बन आप मन आपके घर के सामने ही हम देखे रहा हूँ माहवार और अंक गणित सब चीज लिखे रही से तो ये सब चीज पहल मन आपके द्वारा सुनी हुए? हाँ मैं सोचो कि पहली गाँव के आदि मल्ला बुलाऊँ और बुला के सब लोग पढ़ाऊँ उसे की के लेकिन अब गाँव के मन ला अब 2-4 झन ला बोले तो वो मन है थोड़ा सा ऐसे शुरुआत में 2 झन लड़का मन है मतलब वो पारक लड़का मन है पर आ गए एक करके लड़का मन है नहीं ध्यान दिस लेकिन वो डा वो पारक लड़का मन है 10-12 झन लड़का मन है आए बर तैयार हो गए पढ़े बर तैयार हो गए फिर 3-4 दिन चलीस घलो हाँ लेकिन अब मैं है डर मोर क्लास में चल दे रहा हूँ तो मोर रात ले मतलब 6 बजे बता रहा हूँ तो लड़का मन 6 बजे आ जा रहा है लेकिन मोर वही है 7 बजे हो जाए तो ओकर कारण से वो लड़का मन तो फिर वो लड़का मन बोले देखो बाबू तुमन ऐसे करो एक एक हफ्ता तो बना बना कहो तुमन आद गिस। जैसे ये मन ये क्षेत्र में आते हैं आपसे मिले भर तो दीवार में लिखे रही से जो क ख ग घ और जो नक्शा वक्शा छप छपे है ये सब चीज मन का चीज पर लिखे गए है समझ नहीं आ पैसा मन अपन बताते हो? हाँ अच्छा वो जो आप आते रहे हो ना रास्ता के किनारे में जैसे मगलोर से बस स्टैंड से अपन तरफ जाही आई तो वो जगह भारत के नक्शा बने हैं उसमें पूरा मतलब वो जो 29 राज्य है तेकर नाम लिखाए गए ओकर सामने में देना बैंक के सामने में हावे जेकर मतलब विशेष करके आपके कॉपरेटिव बैंक है ओकर आपके छत्तीसगढ़ के जो 29 जिला है ना वो जिला में वो जिला के नामों के लिखा है तो हमार वो उद्देश्य अलग पिंट रीच कहा जाते हैं मतलब बच्चा है सियान है पालक है एला देख के वो पढ़े
और अपने जो याददाश्त है भुला गए तो वो लभी ठठक ठठक के पढ़ सके है नहीं, ओकर नजर पढ़ना चाहिए कि का लिखा है। और उसने उसने छोटे छोटे बच्चा माना थे काबर बच्चा मन भी ओला देख के आते जाते खेलते कूदते ओला जैसे भी मिले ओकर नजर पढ़ी तो निश्चित रूप से पढ़ी तो पढ़ी मतलब ओकर दिमाग में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ी है ना भाई, तो वही प्रभाव पड़ना चाहिए ओला शिक्षा से जोड़ना है। ऐसे करके ना ओला गाँव ने मगा लोड में मैं 19 जगह पूरा दीवार में सब लिखवा दे हूँ और ताकि बच्चा मन आते जाते वो लोग पढ़े और हमारे शिक्षा से जुड़े। ये लास्ट में एक सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से आप मन है जो भावी शिक्षक है और जो लड़का है पढ़ने वाला ओकर मन पर कुछ उद्देश्य या फिर शिक्षा आप मन देना चाहोगे? वो भावी पीढ़ी के लिए तो यही है कि हर लड़का है वो अने अब तो नौकरी वोकरी के तो मैंने जैसे करना है जो पहले आशा रही से तो अभी नौकरी के आशा से ही नहीं पढ़ना है, अपन लोग कुछ सीखे के आशा से पढ़ना है। तो सीखे पर बहुत सारे मैंने व्यवसायिक हावे रंग रंग के आजकल मैंने कार्यक्रम आ चुके हैं रंग बहुत सारे टेक्निकल आ गए हैं है ना, जेकर माध्यम से हम जान सकथन और सीख सकथन नए नए क्षेत्र आ गए है। अब पहले जैसे डॉक्टर हाइमिन कहा डॉक्टर बनबे जी तो लड़का मन डॉक्टर के नाम ना जाने लेकिन डॉक्टर के अलग अलग डॉक्टर है, कोनो माले लगभग डॉक्टर है और कोनो मतलब वो तो चर्म रोग के डॉक्टर है तो कोनो लेडीज डॉक्टर है ना भाई। अब पहले हम डॉक्टर से देखकर जाना कहा डॉक्टर है वो बस डॉक्टर जाबे जी, लेकिन यहाँ ना अलग अलग रोग के अलग अलग डॉक्टर है, इसने अलग अलग पेंटर है, पहले पेंटर मन नहीं चले अब तो पेंटिंग के काम में आ गए, इसने तो मतलब धीरे धीरे तो कहा है पहली अब ब्लैक स्मृति लोहा के बनाना है, अब तो आदमी कोई भी धंधा कर सकते भी है नहीं, सिर्फ और सवाल ये है कि वो अपन काम ला छोटा नहीं समझे, हमेशा बड़ा है अच्छा है ऐसे समझ के काम करे तो निस्संदेह हर इंसान अपन रोजी रोटी कमा सकते। हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी ही विशेष व्यक्तित्व प्रतिभा के धनी व्यक्ति मन हम संजो के रखना चाहते हैं और हमारे चैनल में एक नया पहल है तो उसके बारे में आप मन का कहना चाहते हो? आप मन ला सबसे पहली मोटा गाड़ गाड़ा बधाई और ये फिर से बताई कि भाई आज हमार जैसे स्थानीय व्यक्ति मन कर आप मन पधारे हो और पने कहना चाहिए परख करे हो खोज करे हो है ना, एकर बाद आप मन भी एक प्रकार से नवाचार करत हो जेकर लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद और आप मन मोर धरोहर ये कार्यक्रम से जुड़े हो एकरो लिए भी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमसे और निवेदन करत हन कि आप मन ये धरोहर में हमेशा बनाए रखो और जोड़ के रखो, एकर लिए आप लोग और आपके जो चैनल है जितना भी जुड़े है वो साथी मन से वो सबसे भी सब जन ला गाड़ा गाड़ा बधाई है और हमारे डार से आप सबला और कहना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके आपके दिन दूर गुना उन्नति और निरंतर अपने कार्य में बढ़ते रहे एकर लिए अपना हम अगवानी कहना चाहिए संदेश दे दिया था हैं हमारे डाल आप लोग बहुत बहुत बधाई और ऐसे अपन अपन जुड़ू तो निश्चित है हमारे जैसे व्यक्ति मन के साथ साथ और व्यक्ति मन ला लाभ मिली और ये जो अभी मैंने प्रक्रिया करत हो हमारे घर में आके जाके अमर मन से इस प्रकार के साक्षात्कार ले तो बहुत बहुत बड़ी मैंने बधाई पात्र हो भाई है नवाचार की विषय है और इसमें निश्चित रूप से हमारे जो जितना भी क्षेत्र के व्यक्ति है निश्चित रूप से जुड़ते जाए ये हम आपसे प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, ऐसी प्रकार की दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे सम्मान और उच्च पद के जो सम्मान मिलते जो कि राज्यपाल राष्ट्रपति और गजानन माधव मुक्ति बोध ऐसी सम्मान ला प्राप्त करे है और हमारे क्षेत्र गौरवान्वित करे है, तो ऐसे ही बने रहो संगवारी हो हमारे चैनल में और नवा से नवा और एक विशेष व्यक्ति मन आप मन के बीच ला के कोशिश करबो
और उकर जीवन के जो पहलू है आप मन ला समझाबो दिखाबो, ऐसी सपोर्ट हमला बनाए रहो और चैनल में अच्छा लगी सो ही बात संवाद है कमेंट करके हमला बताओ। और ऐसी और आप मन के क्षेत्र में भी विशेष व्यक्ति की व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हो ही तो मल हमला कॉन्टेक्ट करके बताए कोशिश करूँ जाकि ओकरो कर जाके हम ओकर इंटरव्यू ले सकन और आप सबके बीच ओकर बातचीत ला रख सकन। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो है मेडल मिले ये राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के जो मेडल मिले है हाँ ये है राष्ट्रपति वाला है राष्ट्रपति में दिए जाते हैं। जो 60 जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित रही से जिसमें उत्कृष्ट थे 60 में 60 प्राप्त करना रही से वहाँ वही व्यक्ति ला ये पुरस्कार ये प्रशस्ति पत्र भेजेगी इससे। और ये जो है मतलब संगम साहित्य के द्वारा अपन ला मिलेगी इसे। और ये जो है जनपद पंचायत में शुरुआत कर रहे हैं हाँ ये 5 ये है रे। और ये जो है ये अपन ला मिलेगी से स्काउट के क्षेत्र स्नेह संगलन में ये प्रमाण पत्र है। और ये जो है दलित साहित्य में जो अपन धमतरी जिला में मिली से हाँ ये पुरस्कार है ये माननीय श्री अजय चंद्राकर जी पंचायत मंत्री एवं ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य उच्च शिक्षा मंत्री रही से तब उकर द्वारा ना ये है 2003 और 2004 में मिली से उकर बाद में ये है ये जो पुरस्कार है वो है 4 में मिली से ये वही अपन जनपद पंचायत में हाँ ओगर बाग में ये जो है वो पुरस्कार हो ये राज्यपाल है ये है महामहिम राज्यपाल जो है KM सेठ एकर हाथ मोले मिली 2005 में 2005 में चयन होते 2006 मिलते हाँ एक साल के पूरा मिलते हो हाँ ओकर बाद में फिर मोला ये पुरस्कार मिली राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार महामहिम उपराष्ट्रपति। तो ये जो है राष्ट्रपति का हाथ मिल रही से ये चल विदेश चल दी तो राष्ट्र वाले जो महामहिम है उपराष्ट्रपति ओकर हाथ हमारे मिली। और ये जो है दिल्ली में मिली हाँ और ये जो पुरस्कार है जिला हमारे यहाँ स्मृति बोलते हैं जो जिनमें 4 जन अपन जो साहित्यकार है उकर क्षेत्र में मिलते तो इनमें 4 प्रकार के वाला स्मृति पुरस्कार के नाम से जाने जाते और ये भी राष्ट्रीय शिक्षक के दर्जा रहते तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार में गजानंद माधव मुक्ति बोध के जो स्मृति सम्मान पुरस्कार वो मिली। और एक बाद अभी चला थे और अभी जो वर्तमान में फिर मिली से पुरस्कार हाँ तो वो में अब फिर नाम आ गई से तो दोबारा कहाँ नाम है बार बार का के बार लेते रहे तो अभी भाई जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी है ओकर द्वारा हमारा प्रशस्ति पत्र और प्राप्त हो है हाँ जो अभी ये है छत्तीसगढ़ के राज्य पक्षी मैना जिसे ग्रेकुला रेली जियोसा पेनिनसुलेसिस इसी प्रकार से वन भैंसा को बियोबेलिस राष्ट्रीय पशु बाघ जिसे पैथरा टाइगिस इस प्रकार से बोला जाता है।